चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अब राशन कार्ड बना सकते हैं। अगर आप भी एक नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो अब आप कहीं भी रहकर एक इजीली राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या होता था कि पहले हमें राशन कार्ड बनाने के लिए हमें RTPS ऑफिस के पास जाना पड़ता था या अनुमंडल के पास चक्कर लगाना पड़ता था, बट अब ऐसा समस्या ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब आपको कहीं भी अगर आप रहकर राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इजीली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप राशन कार्ड बना सकते हैं। राशन कार्ड हमारे लिए बहुत एक ज़रूरत है और बहुत लोगों की अहमियत है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, और जिनका नहीं बना है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनको राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है और वो भी बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में क्लियर मैं उनको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप जो कि राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए बस आपके एंड्रॉयड मोबाइल से ही बनकर तैयार हो जाएगा एक राशन कार्ड, जो कि आपको बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। तो चलिए, कैसे राशन कार्ड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह करना है, सारा इस वीडियो में प्रक्रिया हम बताने वाला हूँ। और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा कि कैसे आप राशन कार्ड एक बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र खोल देना होगा जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र, दोनों एक ही है, ठीक है। और आपको यहाँ लिख देना है उमंग, यहाँ लिखना है आपको उमंग। उमंग लिखकर आपको क्या करना होगा, आपको लिखकर सर्च कर देना होगा। अब जैसे ही सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से पेज आ जाता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ ऊपर में एक मिल जाती है आपको ऑप्शन उमंग का, देख सकते हैं यहाँ उमंग का ऑप्शन मिल जाती है। तो इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा डेस्कटॉप साइड कर देंगे ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। अब हम जिस डेस्कटॉप साइड करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से आपको जो कि उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है, यहाँ 3 डॉट के एक ऑप्शन मिलती है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलती है, तो हम क्या करेंगे, इसी पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद ये बोल रहा है कि आप इंटर मोबाइल नंबर, इंटर MPIN कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ लॉगिन होने के लिए। तो हमारे पास अभी तक ना यूजर ID है ना पासवर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ लॉगिन OTP मांग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन मिलती है रजिस्ट्रेशन हेयर का एक ऑप्शन मिलती है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मिल जाती है। उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर यानी इंटर मोबाइल नंबर आपको एक डालना होगा। डालने के बाद उस पर एक OTP आएगा, आपको यहाँ OTP डालना होगा। डालने के बाद उसके बाद यहाँ गेट, यहाँ आपको टिक लगा देना होगा। उसके बाद फिर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन हेयर पर आपको क्लिक कर देना होगा। जिसे हम क्लिक करेंगे तो देख ही सकते हैं यहाँ आपको ग्रीन हो जाएगा, जैसे हम यहाँ कोई OTP डाल लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं, तो यहाँ भी नहीं है अभी, वो एक मोबाइल नंबर हम कुछ डाल देते हैं। तो अभी हमें यह सब करना है प्रक्रिया, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन हेयर नहीं लिख रहा, आपको यहाँ पहले नंबर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन है, उस पर टिक लगा के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए हम मोबाइल नंबर और OTP डालकर रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक कर लेते हैं। हमने यहाँ मोबाइल नंबर OTP, उसके बाद हमने यहाँ IAGR पर टिक लगा दिया। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन हेयर का ऑप्शन खुल गया, उसके बाद हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसी क्लिक करते हैं, देखिए हमारा जो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ये कह रहा है अलग आपको दे देना है, फिर आपको कैंसिल कर देना होगा। अलग देने के बाद आपको कह रहा है इंटर MPIN, अब आपको पिन बनाना होगा, जैसे आपको कभी भी खोलने के लिए लॉगिन के लिए आपको पिन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि पिन बना लेते हैं, MIN पिन। हमने यहाँ पिन बना लिया, इंटर पिन 4 डिजिटल का होता है, उसके बाद यहाँ आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद X लेटर पर आपको क्लिक कर देना होगा।
अब यहाँ से हमारा ऑप्शन खुल चुका है। खुलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वो सारा प्रक्रिया होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब नया राशन कार्ड बनाने के लिए अब आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ आपको एक कैटेगरी मिल जाती है, आपको कैटेगरी में आ जाना है। उसके बाद कैटेगरी में आने के बाद देखिए मेरा राशन कार्ड आपको मिल जाती है ऑप्शन, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही क्लिक करने के बाद आप जिस भी राज्य से हैं यहाँ सारा राज्य आपको खोल कर आ जाती है। उसके बाद जिस भी राज्य में जो कि अभी तक अवेलेबल है ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए, तो यहाँ सारा चीज़ आपको मिल जाती है। झारखंड आपको मिल जाती है आपको देखने के लिए इस तरह से झारखंड, और यहाँ सारे राज्य हैं। चलिए हम किसी भी राज्य पर आपको दिखा देते हैं। उसके बाद अब आप अगर बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या दिल्ली से हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओ हमने यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं अपडेट व्हीकल ऐप फॉर्म पोर्टल। उसके बाद यहाँ आपको चेक अप्लीकेशन स्टेटस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये सारा देखिए फॉर्म खुल कर आ चुका है। यहाँ आपको जो भी आपके लैंग्वेज है यानी सॉरी जो भी आप जिस भी राज्य में रहते हैं अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम कोई राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन आपको आ जाती है अप्लाई फॉर्म राशन कार्ड मॉडिफाइड राशन कार्ड डिटेल्स, उसके बाद व्यू राशन कार्ड डिटेल्स न्यू फेयर प्राइस शॉप आपको आ जाती है। तो आपको क्या करना होगा, न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए न्यू राशन अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले पर क्लिक कर देना होगा। चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है प्रोसीड वाले पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ आपको पूरा डिटेल को फिल करना होगा। डिटेल को कैसे फिल करना होगा चलिए हम बता देते हैं। यहाँ आपको देखिए पूरा आपको भरना होगा सारा डिटेल को आपको एक एक करके भरना होगा। अब जैसे मैं यहाँ बता देते हैं यहाँ अपना नेम, फादर एथी मदर का नेम, फादर का नेम, उसके बाद नेम ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ बर्थ, जनरल एज आपको अपने आप आ जाएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है नोटिफाइड, उसके बाद आपको आधार इनरोलमेंट नंबर वोटर आई कार्ड, उसके बाद डालने के बाद फिर आपको क्या करना होगा यहाँ पूरा आपको डिटेल्स को चेक कर लेना होगा। फिर इसके बाद चेक करने के बाद यहाँ आपको विलेज नेम डालना होगा, आईपी पिन कोड आपको करना होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आप आते हैं नीचे। उसके बाद आपको अब यहाँ से बैंक का नेम, बैंक ब्रांच नेम डालना होगा। डालने के बाद उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसके बाद ये होल्डर नेम, सैलरी ओल्ड, ये सारे चीज़ फिल करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, लास्ट सबमिट वाले डिटेल पर क्लिक करके उसके बाद आपको ये छोड़ देना है, सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ता में आपके बाई पोस्ट राशन कार्ड भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप राशन कार्ड को बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।